दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नोट्स के कोनों पर इस तरह के लाइंस को क्यों बनाया जाता है? और फोन का रिचार्ज 28 या 84 दिनों का ही क्यों होता है? और हमारी हाथ की उंगलियां पांच ही क्यों होती है? जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में एंड तक। नंबर 7, दोस्तों 30 सालों के लंबे समय के बाद कश्मीर में फिर से मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल को बनाया जा रहा है। आपको बता दें, टेररिस्ट अटैक की वजह से कश्मीर में 15 सिनेमा हॉल्स को 90 के दशक में बंद करना पड़ा था, लेकिन 30 सालों के लंबे समय के बाद गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इनॉक्स वाले कश्मीर में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल को बना रहे। और इस बार इस मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में बॉलीवुड मूवीज के साथ साथ हॉलीवुड और टॉलीवुड मूवीज को भी दिखाया जाएगा। नंबर 6, दोस्तों एलियन पैन यूट्यूब चैनल वालों ने एक ऐसे वॉकिंग स्नेक रोबोटिक स्ट्रक्चर को बनाए जिसमें अगर किसी स्नेक को डाला जाए तो स्नेक रेंगते हुए चलने के बजाय रोबोटिक पैरों से कुछ इस प्रकार से चल सकेंगे। वैसे तो स्नेक को इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे बनाए। आपको बता दें, इस रोबोटिक स्ट्रक्चर में सेंसर लगे हुए जो कि स्नेक के मोशंस को कैच करता है और स्नेक को चलने में मदद करता है। नंबर 5, दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब कोई इंसान खुशी में रोता है तब उस इंसान की आंख में से पहला आंसू दाई आंख से निकलता है, और जब वो दुख में रोता है तो उसका पहला आंसू उसकी बाई आंख से निकलता है। नंबर 4, दोस्तों क्या आपको कभी नींद में ऐसा महसूस होता है कि आप किसी ऊंची जगह से नीचे गिर रहे हो? और अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो इसे हाइपनिक जर्म कहा जाता है, और ऐसा ज्यादातर बार उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग ज्यादा नशा और डिप्रेशन में रहते हैं। नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथों में पांच ही उंगलियां क्यों होती है? चार भी तो हो सकती थी, लेकिन फिर भी पांच ही क्यों? कुछ लोग जो एबनॉर्मल रहते हैं उनकी उंगलियां पांच से ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो लोग नॉर्मल होते हैं उनके दोनों हाथों में हमेशा पांच ही उंगलियां होती है। और इसका कारण है एवोल्यूशन। साइंटिस्ट मानते हैं जैसे जैसे हम इंसानों के बॉडी का एवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे हम इंसानों के बॉडी के पार्ट्स भी कम होते गए। जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले के समय में हम इंसानों की पूंछ हुआ करती थी, वैसे साइंटिस्ट के हिसाब से हमारे हाथों में पहले पांच से ज्यादा उंगलियां हो सकती है। नंबर 2, दोस्तों फोन का रिचार्ज 28 दिनों का या 84 दिनों का ही क्यों होता है? दरअसल ये कंपनी की बहुत ज्यादा सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसमें कंपनी हमसे साल में एक बार ज्यादा रिचार्ज करवा लेती है और हमें पता भी नहीं चलता है। यानी हर साल में 12 महीने होते तो उस हिसाब से हमें साल में 12 ही बार रिचार्ज करना चाहिए, लेकिन कंपनी रिचार्ज को 28 दिनों का देती है, जिस कारण हमें साल में 12 बार रिचार्ज करने के बजाय 13 बार करना पड़ता है। और ये 13 बार रिचार्ज आप 365 दिनों को 28 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। नंबर 1, दोस्तों नोट्स के कोनों पर इस तरह के लाइंस को क्यों बनाया जाता है? दरअसल नोट्स पर बनी इन लाइंस को ब्लीड मार्क्स कहा जाता है, और ये लाइंस नोट की कीमत के हिसाब से नोट के ऊपर दी जाती है, और साथ ही साथ ये ब्लीड मार्क्स खास करके अंधे लोगों के लिए बनाया जाता है। नोट पर बनी इन लाइंस को छूकर वे बता सकते हैं कि वह नोट कितने रुपए का है, इसीलिए 100, 200, 500 या फिर 2000 के नोट पर अलग अलग नंबर्स में लाइंस बनाई जाती है, और साथ ही साथ ये लाइंस नोट की कीमत भी बताती है। अगर नोट पर दोनों तरफ चार लाइंस बनी है तो वो नोट 100 रुपए की है, वही नोट पर अगर पांच लाइन बनी है तो वो नोट 500 रुपए की है, और वही अगर नोट पर 7 लाइंस बनी है तो वो नोट 2000 रुपए की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई है तो एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो, जिससे आपको फ्यूचर में इससे अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।